धार के सरदारपुर विधानसभा में प्रियंका गांधी की जनसभा। मोहनखेड़ा तीर्थ पहुंचकर दर्शन करेंगे प्रियंका गांधी और आदिवासी नायक टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगी। सभा में करीब 1 लाख लोगों के जुटने का कांग्रेस ने दावा किया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सुरजेवाला के साथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और साथ ही सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इस सभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। सरदारपुरा में आदिवासी नाटक टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कमलनाथ, दिग्विजय, सुरजेवाला समेत कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मौजूद रहने वाला है। बता दें कि चुनावी समर में लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर से पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी। धार के सरदारपुर विधानसभा में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी और जनसभा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तीर्थ पहुंचकर दर्शन करेंगे प्रियंका गांधी। मोहनखेड़ा तीर्थ पहुंचेंगी, आदिवासी नायक टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगी। तो लगातार दौरे हो रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी की भी दौरे हो चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दौरे कर चुके हैं और अब प्रियंका गांधी एक बार फिर से दौरा करने वाली हैं, जब बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे। धार से एक और खबर, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी धार में आम सभा को संबोधित करेंगी और प्रियंका गांधी की सभा को लेकर सभा स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा की और बताया कि निमाड़ में प्रियंका गांधी के आने का इंतजार है। यहाँ की जनता आदिवासी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए बेकरार है। मालवा निमाड़ में इस बार कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। कांतिलाल भूरिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। कांतिलाल भूरिया जी मेरे साथ में मौजूद हैं। दादा, आज प्रियंका गांधी जी का दौरा है और 1966 में इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पर पहुंची थी, तो कैसे देखते हैं इस बार प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह रहेगा इसको लेकर? आज हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा अंचल में हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। ये एक हमारा खानदानी परिवार है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, हमारे राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये कांग्रेस के एक मजबूत हमारे हाईकमान हैं और आज हमारे बीच में प्रियंका गांधी जी आ रही हैं और यहाँ से संदेश देगी कि पूरे मध्य प्रदेश में हवा चलेगी और कांग्रेस एक तरफा मालवा निमाड़ से जीतेगी और कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश हमारी बनेगी। तो आज जनता प्रियंका गांधी जी को देखने के लिए बना हजारों की तादाद में आज आ रही है, तो इससे आप देख लीजिए कि उनके प्रति कांग्रेस और जनता का कितना ज़्यादा रुझान है, तो वो सब पता लगेगा। तो ये थे हमारे साथ में कांतिलाल भूरिया जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और कांग्रेस का इस बार सरकार बनाने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका प्रियंका गांधी की भी रहेगी।